સુરતમાં મહાશિવરાત્રિના પાવન અવસર નિમિત્તે ગોડાદરા રોડ પર આવેલા શ્રી બાબા વૈદ્યનાથ ધામ મહાદેવ મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તો દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા અને શિવજીને દૂધ અને બિલીપત્રનો અભિષેક કર્યો હતો. मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ आई हूँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए मंदिर में. यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है और हम सोच नहीं सकते कि इतनी भीड़ रहेगी यहाँ पे. काफ़ी यहाँ पे लिम्बायत में मंदिर है लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है कि हम सोच नहीं सकते. लगभग लिम्बायत में 10 से 12 होंगे महावीर जी का मंदिर लेकिन फिर भी इतनी भीड़ लगी हुई है कि ऐसा लगता है कि पूरे ही कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं आया होगा. और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. सब पूजा करने से क्या मिलेगा? आज के दिन पूजा करने से तो बोलते हैं कि हम पूजा करते हैं जो हमारे दिल में मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है. तो सब एक आस लेके आते हैं शिव शंकर जी के मंदिर में और इतने आस लेके आए हैं कि हम सोच नहीं सकते क्योंकि इतनी भीड़ लगी हुई है. सबके दिल में कुछ ना कुछ आस होता है. पूजा के लिए आपने किस तरह की पूजा करी है? पूजा तो सिर्फ दिल से करनी चाहिए. बाकी ऐसी कोई नहीं है कि हम पूजा में ये चढ़ाए वो चढ़ाए. और यहाँ पे कोई वो भी नहीं है, उलेन भी नहीं है कि ये दो वो दो, अपने खुशी से जो चढ़ा दो. मेरा नाम गणेश महाराज, मैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर का महाराज बोल रहा हूँ. और इस मंदिर में आज पावन शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत सारे पब्लिक, जनता जनार्दन, भक्तगण पूजा करने आए, पूजा श्रद्धालु पूजा करने आते हैं और अपना अपने आप को कृतार्थ करते हैं. आज का समय बहुत ही पावन समय है. ऐसे समयों में आज के दिन व्रत पूजा बहुत ही महत्व है. साल भर की पूजा करने से आज के एक दिन पूजा करने मात्र से पुण्य मिलता है. पब्लिक अपने तरफ से आ रहे हैं, लाइन में लगे हैं, फर्स्ट क्लास भक्ति पूजा कर रहे हैं और समझदारी से पूजा कर रहे हैं. बहुत ही आनंदमय पूजन कर रहे हैं. सब अपने मस्त में झूम हैं और भांग इत्यादि का प्रसाद लेकर के लोग पूजन करते हैं. भगवान को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं इत्यादि. सभी प्रकार से भक्तगण पूजा कर रहे हैं वैद्यनाथ मंदिर में. आज महाशिवरात्रि में किस तरह की पूजा करने में आती है, क्या महत्व है? आज के दिन पूजा करने से बाबा भोलेनाथ का विवाह का समय है. आज शिवरात्रि के दिन पार्वती जी का, शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था. इस उपलक्ष्य में लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं इत्यादि सभी पदार्थों से पूजन करते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं, अपने परिवार को कृतार्थ करते हैं, अपने बाल बच्चों को कृतार्थ करते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं.